चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला दिन पर दिन गर्मा रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अश्लील वीडियो मामले को देखते हुए पंजाब पुलिस ने गंभीरता से अब इसकी जांच कर रही है। वीडियो के संदर्भ में खुलासा होने के बाद मचे बवाल के चलते अब पुलिस ने कैंपस से 23 सीसीटीवी क्लिप भी बरामद की है। पुलिस ने 17 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। बताया जा रहा है कि जो 6 छात्राएं बेहोश होकर अस्पताल पहुंची थी उनके सैंपल भी पुलिस ने इकट्ठी कर ली है। जैसे जैसे पुलिस मामले की जांच कर रही है इसकी परत दर परत खुलती जा रही है, वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का झूठ भी सामने आ रहा है। इस मामले में जहां पहले छात्राओं के MMS बनाने वाली आरोपी छात्रा का नाम था, वहीं उसके बॉयफ्रेंड सनी और उसके साथी रंकज शर्मा को गिरफ्तार किया गया। अब एक चौथे शख्स का नाम भी सामने आया है। इतना ही नहीं, मामले में मुंबई, गुजरात से लेकर कनाडा तक का लिंक निकल रहा है। कुछ छात्राओं का आरोप है कि उनके मोबाइल नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आई और कॉल करने वाले ने उन्हें धमकी दी। यूनिवर्सिटी की कुछ पीड़ित छात्राओं का आरोप है कि उन्हें एक नंबर से धमकी भरा कॉल आया। छात्राओं ने यह नंबर पुलिस को सौंप दिया है। धमकी देने वाले ने छात्राओं को कहा कि मेरे दोस्त को जेल से निकलवाओ, नहीं तो तुम्हारा वीडियो भी वायरल कर देंगे। पता चला है कि यह नंबर कनाडा का है। इस कॉल के आने के बाद छात्राओं को अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आने शुरू हो गए हैं। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। छात्राओं को व्हाट्सएप मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने सारे नंबरों को लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि मामला गंभीर भी हो सकता है या फिर किसी की शरारत हो सकती है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों को आमने सामने बैठा कर बात की गई। इस दौरान एक किसी और शख्स का नाम सामने आया है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर दी है। दरअसल पुलिस ने छात्रा के व्हाट्सएप चैट की जांच की तो उसमें किसी मोहित नाम के लड़के से उसकी चैट मिली है। उसमें छात्रा ने लिखा है, जा मरवा ही दिया था, मुझे नहाती हुई छात्रा की तस्वीर लेते हुए एक छात्रा ने देख लिया। अब पुलिस ने इस आरोपी लड़के मोहित की तलाश में जुट गई है। सूत्रों ने बताया कि छात्रा ने बयान में कहा है कि मोहित उसे ब्लैकमेल करके दूसरी छात्राओं के वीडियो और तस्वीरें मंगवा रहा था। हालांकि मोहित कौन है, कहां है, इसकी कुछ जानकारी नहीं है। यह भी माना जा रहा है कि यह कोई फेक अकाउंट हो सकता है। छात्रा ने बयान में पुलिस को बताया है कि उसे आरोपी युवक ब्लैकमेल कर रहे थे और दूसरी छात्राओं के वीडियो बनाकर भेजने के लिए मजबूर कर रहे थे। खैर, इस मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने SIT का गठन किया है। पुलिस की SIT में सभी तीनों अफसर महिला हैं, तो यूनिवर्सिटी के 9 सदस्यों वाली जांच कमेटी में 5 प्रोफेसर और 3 छात्र हैं। दोनों टीम अपने अपने स्तर पर MMS कांड की जड़ तक पहुंचने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।